कानपुर आईपीएल में कानपुर के सट्टा किंग सोनू सरदार उर्फ भूपेंद्र को जयपुर और उसके साथ ही रिंकू सिंह को पुलिस ने नौबस्ता से गिरफ्तार कर लिया है। सटोरियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। अकाउंट नंबर भी मिले हैं जिनसे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन भी हुआ है। आपको बताते चले कि 8 अक्टूबर को कानपुर पुलिस ने एसपी वेस्ट और साउथ की टीमों ने फजलगंज में छापेमारी कर 7 आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया था। 35 लाख रुपए भी बरामद किए थे। मास्टरमाइंड सोनू सरदार पुलिस के हत्थे नहीं लगा था। पुलिस ने फरार चल रहे सोनू सरदार को जयपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि साथी रिंकू को नौबस्ता बाईपास से गिरफ्तार किया है। एसपी वेस्ट ने बताया कि दोनों ही फरार सोनू सिंह और रिंकू आईपीएल में सट्टा लगवाते थे। छापेमारी में दोनों फरार हो गए थे, तब से दोनों की तलाश थी। एसपी साउथ ने बताया कि सोनू मास्टरमाइंड है, करोड़ों रुपए खाते में जमा कराए हैं। गैंग के अन्य साथियों की तलाश जारी है। देखिए, इनके जो बैंक अकाउंट कुछ डिटेल्स हमने निकलवाए हैं, 500 बैंक अकाउंट्स में से 10 बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिनमें एक महीने में करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स होती थी। उनके लिंक्स मिले हैं अहमदाबाद से, जयपुर से और मुंबई से। मेन जो इनका आईपीएल स्टार्ट होने से पहले तक, जैसे बताया, इनके कुछ जयपुर में फ्लैट्स हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ हो गई, हार्ले बाइक, बाकी और भी गाड़ियों के डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। बैंक अकाउंट्स भी हम चेक करवाएंगे, अगर इनकी कोई संपत्ति होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया कि गैंगस्टर की हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके बाद 14-1 की कार्रवाई जो संपत्ति जब्ती करने की है वो भी करवाएंगे। अभी तक जो 10 अकाउंट हमारे संज्ञान में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।